अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हमें रब का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। मैं आज UNGA जो कि जनरल असेंबली 21 से न्यूयॉर्क में स्टार्ट हो रही है अमेरिका में, मैं उसमें आज पार्टिसिपेट करने आया हूँ। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क का सबसे पॉश एरिया मैनहट्टन, यहाँ पे वो मुल्क जो पूरी दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल किए गए हैं, जिसकी दुनियावी लिहाज से पूरी दुनिया में इज्जत है, जो एक किस्म का माई बाप बना हुआ है, उनके लोगों की ज़िंदगी देखती है। यानी ये फुटपाथों पे ये किसी की औलादें हैं, और सबसे बड़ी बात ये रियासत इसकी माँ है। ये मैं हर तरफ देख रहा हूँ और मेरा दिमाग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। तो मेरी अपनी कौम के लिए मैसेज ये कि जब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने लंगर खाने और फिर लंगर खानों के अलावा आम आदमी की सोच के लिए पनाहगाहें बनाई, तो मजाक उड़ाया गया। मदीना की रियासत, हुक्मरान जिसके दिल में दर्द ना हो, जिसके लिए के दिल में इंसानियत के हवाले से वो जज्बा ना हो, जो ज़ात के लिए सोचे वो अपनी रियाया के लिए ना सोचे, वो इंसान नहीं होते। उनके दिलों में पत्थर और वो हैवानों की सोच और उनकी अप्रोच अपनाते हैं। फ़ख्र करें कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा वज़ीर आज़म, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर की टीम प्लेयर हूँ या मैं PTI से मेरा ताल्लुक है। आज आप जिस मुल्क में चले जाएँ, यूरोप में चले जाएँ, वो दुनिया जो अपने आप को महज़ब समझती है, वो दुनिया जो अपने आप को प्रॉस्परस समझती है, उनके पासियों का ये हाल है। कोई वाली वारिस नहीं। अपने आप पर फख्र करें, अपनी रियासत पर फख्र करें, अपनी धरती माँ को इज्जत दें, और सबसे बढ़कर ये खुदा का वास्ता है उन लोगों का जिनका कोई नहीं, उनकी मदद के लिए आए। मेरा रब आपको नवाजेगा। और ये वो लोग जो मदीना की रियासत का मजाक उड़ा रहे हैं, और वो लोग जो कि अमरीका और यूरोप के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि ये देख लें अपनी आंखों से, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी देख लें। इनका कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये मशीन बने बैठे हैं, और इनके पूछने के लिए कोई नहीं। अगर कोई है भी तो इनका उन पर एतमाद नहीं। अपने आप को पहचाने, अपने मुल्क को वैल्यू करें, और खुदा के लिए उन हुक्मरानों की कदर करें जो आपका सोचते हैं, जो कि ज़ात का नहीं सोचते, आने वाली नस्लों का सोचते हैं। अल्लाह मेरे धरती माँ को हमेशा ताक़यामत रखे, और तमाम इंसानियत की खैर। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान क्यों आज आजमाइश में? आम पाकिस्तानी क्यों इस तरह आपकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जिस घर के वालिदैन हलाल कमाएंगे, उनके घर के हर फर्द की इज्जत होगी। जिस घर के बुजुर्ग हराम या बदनीयती या अगली के जेब पर नज़र रखेंगे या अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, अपनी कीमत लगाएंगे, तो फिर क्या होगा? उनके घरों के शर्म होया के जनाजे निकलते हैं। एक गैरतमंद कौम जो 1960 में जर्मनी को, सऊदी को कर्जा देती है, आज मकरूज क्यों है? कि हमारे हुक्मरानों ने अपने मुल्क को अपना नहीं समझा, अपनी जेबें और अपने मफादात को तरजीह दी, और जिसकी वजह से आज हम बहुत पीछे रह चुके हैं। हम में वो हर एक सलाहियत मौजूद है, एक गैरतमंद कौम की शक्ल में हम आज भी दुनिया को ये साबित कर चुके हैं, हम एक अजीम कौम है। खुदा के लिए आओ एक दिन, खुदा के लिए लिसानी तौर पे, और फिर फिरका परस्ती, सुबाइयत इनको, और फिर पार्टीज़ के बेस पे जो हम तकसीम हुए हैं, इसको साइड पे रख के आए पाकिस्तानी कौम बने, और फिर देखें कि रब हमें नवाजता है कि नहीं नवाजता इंशाल्लाह। और एक और चीज़, जिस दीन के मानने वाले हैं और जो हमारे रिवायात हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं,
चाहे वो महाजर हैं, चाहे वो सराइकी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो हज़ारेबाल हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तानी कश्मीरी, अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखें, ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें, मैनहट्टन है, इंसानियत के, इंसानी हकूक के अलमबरदार। खुदा के लिए अपनी कदरों को पहचानो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। ये कोई सियासी स्लोगन्स नहीं है, ये हकीकत है। आंखों से देख के ये वो प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है। वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, वो जो हमें लेक्चर्स देते हैं, आए देखें बेटियों का क्या हाल है, आम वासियों का क्या हाल है। हमने वादा किया है, मेरे और मेरे प्राइम मिनिस्टर, हमारी पूरी पाकिस्तान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक सोच है कि पाकिस्तान को इज्जत देनी है, और इंशाल्लाह हमने इंसानियत की इज्जत करनी है, हमने हर मुल्क के वासियों को इज्जत करनी है, लेकिन हमने उनके साथ बराबरी की सतह पे चलना है। हम किसी के महकूम नहीं हैं, हम किसी के खादिम नहीं हैं, हम किसी के सर खरीद नहीं हैं, हम किसी की सोच के मुताबिक नहीं चलेंगे। सोच हमारी है, और वो सोच की बुनियाद क्या है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के महबूब की अताअत करना और इंसानियत को इज्जत देना। इंशाल्लाह अगर हम, अल्लाह हमें एक करे, और हम जब एक बन गए तो दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। इंशाल्लाह पाकिस्तान अजीम कौम बनने जा रहा है, और वो नाकदीन जो कि हर चीज में मजाक उड़ाते हैं, वो यहाँ पे शायद उनके सोच में कोई फर्क आ जाता है, उनकी आंखें शायद काम नहीं करती, उनके कान और जबान वो भी काम छोड़ देते हैं, वो क्यों नहीं लिखते, वो दानिश्वर, वो बड़े बड़े लोग जो फिलोसफीज और थ्योरीज देते हैं, रियलिटी को क्यों नहीं बताते, दुनिया को क्यों नहीं बताते। तो जाओ अमेरिका के पॉश एरियाज में देखो कि इंसानियत किस सतह पे है, किस तरह सिसक रही है, कोई नहीं है, हर तरफ सिक्योरिटी है। वो क्या साबित कर रहा है, एक चीज़ साबित कर रही है कि हम अपने आप को ना अपना समझते हैं, ना उसको प्रमोट करते हैं, ना उसको इज्जत देते हैं, औरों की अंधी तकलीफ पे चलते हैं, औरों से मुतासर होते हैं। मुतासर होना है तो अपनी बुनियाद से मुतासर हो, अपने असलाफ से मुतासर हो, अपने आप को इज्जत दो, अपने रिवायात को अपनाओ, खुदा के लिए अपने बनो, क्योंकि अपने नहीं बनोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं अपनाएगा, ना इधर तुम्हें कोई अपनाता है, ना तुम्हें वहाँ पर कोई फिर ऑन करेगा। अपने रिवायात और अपने अकदार और अपनी इज्जतों को के महाफिज खुद बनो, और दिल बड़े रखो, मजहब लिसानी और फिर खासकर ये जो अकलियतों के साथ रवैये और फिर जो फ़िरका परस्ती है, निकल आओ इससे, क्योंकि मेरे और आपके असलाफ ने हमें एक चीज़ सिखाई कि अल्लाह लोगों के दिलों में बसता है। कोई भी हो, दिल आजारी ना करो, फोन करो, मेहनत करो, मायूसी को छोड़ो, सेल्फ बिलीफ और आखिरी हद तक जाने की अहलियत पैदा करो, और मांगो तो सिर्फ रब से, रब हमें एक बनाए, रब हमें सरखरू करे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत हमेशा के लिए पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच।